Good morning, children. You are welcome in your today's EVS class. In EVS, we were studying about the chapter 20, drop by drop. In this chapter, we read about the story in Rajasthan, where Madhu's story was you have read about the story of Madhu of Rajasthan regarding the water. Page number 132 and 133. And now we continue the story. Let's start. Just like Madhu, Sonal also faces water scarcity in her house. Madhu ki tarah, jis tarike se Madhu ko pani ki kami ka samna karna padta tha, usi tarike se Sonal bhi pani ki kami ka samna karti hai. She lives in Bhavnagar. Wo Bhavnagar mein rehti hai. बच्चों भावनगर एक तो आपके गुजरात में है, शहर है, और एक शायद आपके राजस्थान में गांव है भावनगर. वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे. एक दिन में आधा घंटे ही पानी की सप्लाई वहां होती है. ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली अ सिंगल टैप. और पूरे एरिया के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग उसी एक ही नल पर डिपेंड रहते थे. कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस? क्या इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होता है? सोनल इज डिटरमिन्ड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप. और सोनल जो है ये डिटर्मिन रहती थी कि वो उस नल से पानी लेगी. व्हेनेवर शी गेट्स अ चांस शी फिल्स हर बकेट इवन इफ इट इज जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप. और यहाँ तक कि वो जब उसको मौका मिलता था तो वो बाल्टी को भरती थी इस तरीके से कि जैसे उसमें से एक एक बूंद गिरता था उसको भी वो कलेक्ट करती थी. लेट अस फाइंड आउट हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ बाउल ऑफ मग. तो आइए कैसे जो है ये पता करते हैं कि मग से कैसे वो बाल्टी को फिलअप करती है. तो अब देखिए यहाँ ये एक एक्टिविटी है. Do the activities as shown in the picture. Write the answer in the boxes. तो यहाँ पर देखिए एक चम्मच है और एक चम्मच में कितने बूंद पानी आएगा. First है how many drops will fill a spoon. तो मेरे हिसाब से बच्चों ये चम्मच के भी साइज अलग अलग होते हैं. कुछ चम्मच थोड़ा छोटे होंगे तो उसमें ज़्यादा ड्रॉप आएंगे. तो 5 से 10 बूंद पानी में आपका एक चम्मच भर जाएगा. और दूसरा है हाउ मैनी स्पून्स विल फिल अ बाउल. और कितने स्पून में एक कटोरी पानी हो जाएगा, भर जाएगा. तो बच्चों ये कटोरी का साइज भी अलग होता है. किस कटोरी के बाद तो अलग अलग कटोरी में का साइज के हिसाब से उसमें अलग अलग बने चम्मच आएंगे कि किसमें कितने चम्मच आते हैं. तो हम उसमें उसको रेंज लिखेंगे 50 से 100 चम्मच एक कटोरी को भरने में लगेगा. इसके बाद मग को भरने में कितने कटोरी पानी चाहिए. मग बच्चों 1 लीटर का भी आता है, एक उससे छोटा भी आता है. तो अगर 1 लीटर का मग है तो उसमें 1 लीटर लगभग पानी आएगा.
तो 1 लीटर पानी के लिए 8 से 10 कटोरी माने 100 से 125 ग्राम पानी, ml पानी एक कटोरी में अगर आता है तो उस हिसाब से 8 से 10 कटोरी पानी जो है एक मग को भरने में लगेगा। तो यहाँ पर 8 से 10 भर लेंगे, 8 to 10। इसको हम फोटो खींच के भेज देंगे बच्चों, आप परेशान मत होइए और आप इसको जो है भर लीजिएगा। इसके बाद हाउ मेनी मग्स विल फिल अ बकेट, कितने मग जो पानी जो है एक बकेट को फिल करने में लगेगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के वही है कि बाल्टी कुछ अगर छोटी है 10 लीटर की है तो वहाँ 10 मग पानी लगेगा, और अगर बड़ी है तो उसमें ज़्यादा मग लगेगा। तो उसी तरीके से 10 से लेकर के 20 मग पानी उसमें लगेगा आपके, 10 से लेकर के 20 मग पानी एक बाल्टी को भरने में लगेगा। हैव यू सीन हाउ वी गॉट सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि एक एक बूंद पानी से कैसे जो है पानी वेस्ट होता है। जस्ट थिंक ऑफ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप, हाउ मच वाटर वुड वेस्टेड, दिस पिक्चर शोज यू समथिंग सिमिलर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने बताया कि कैसे एक एक बूंद पानी से अगर लीक करती है कोई टैप नल तो कैसे एक एक बूंद पानी ये देखिए यहाँ पर वेस्ट हो रहा, देख रहे हैं। और ये बच्चा जो ब्रश कर रहा है वो नल को खुला छोड़ दे रहा है और ब्रश कर रहा है। तो बच्चों ऐसा कतई नहीं करना चाहिए कि जब हम ब्रश करें तो नल को खुला रखें, कतई नहीं छोड़ें, उसको बंद रखें। और अगर घर में कहीं कोई टैप में लीकेज है, बूंद बूंद पानी गिर रहा है, तो उसके हमें रिपेयर कराना चाहिए, सुधार करवाना चाहिए। तो इस तरीके की स्थितियां कतई नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि कैसे एक एक बूंद से चम्मच कटोरी और मग भरता है और फिर धीरे धीरे करके एक बाल्टी भरती है। तो कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर, राइट योर सजेशंस बिलो, क्या आप आप किस प्रकार से पानी की बचाने, कैसे पानी की बचत करेंगे। तो ऊपर वाले चित्र से देखिए, पहला है डू नॉट लीव टैप रनिंग व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। तो पहला इसी से आ जाएगा एक पॉइंट कि जब हम ब्रश करें तब पानी को खुला न छोड़ें। तो अब पहला पॉइंट हो गया डू नॉट लीव द टैप ओपन व्हाइल ब्रशिंग द टीथ। सेकेंड है डू नॉट बाथ विद बकेट व्हाइल बाथ विद बकेट नॉट यूजिंग शावर, पानी से नहाए बाल्टी में पानी भर करके नहाए, शावर का यूज न करें क्योंकि शावर में पानी बहुत वेस्ट होता है और वो पानी इस्तेमाल में नहीं आता है। इस प्रकार से तो शावर से नहीं बाल्टी पानी में बाल्टी में पानी भर करके नहाए। तीसरा है रिपेयर ऑल द लीकेज लीकिंग टैप्स टू, तो जितनी भी वाटर टैप्स में लीकेज है उसको रिपेयर करा दें। ट्राई टू रीयूज द वाटर, तो पानी को पुनः उसका रीयूज करने के लिए करें। ये चौथा पॉइंट आपका हो गया। तो आगे हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरली इन योर होम, स्कूल और अदर प्लेसेस वेयर, क्या आपने कभी व्यर्थ में पानी बहते हुए घर में, स्कूल में या किसी अन्य प्लेस पर देखा है
यदि देखा है तो कहां, तो आई हैव सीन आंसर होगा आई हैव सीन वॉटर फ्लोइंग अननेसेसरली टू द रोड साइड ऑन द रोड साइड ऑफ द रोड साइड ऑफ द पब्लिक टैप, जो सड़क के किनारे पब्लिक टैप होते हैं उसमें पानी बहते हुए मैंने हमने देखा है। तो उसको क्या करना चाहिए, या सुलभ कॉम्प्लेक्स में भी कभी कभी ध्यान नहीं दिया जाता है तो वहां भी पानी इस तरीके से लीक करता है। तो आगे की पिक्चर में बच्चों हम अगले पेज में देखते हैं कि कैसे पानी का रीयूज कर सकते हैं। तो बच्चों स्टोरी में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से राजस्थान में महिलाएं और बच्चे दूर दूर से जाकर के पानी लाते हैं। तो इसमें पहली पिक्चर में देखे बच्चों कि ये जो लेडी है ये घड़ा लेकर के दूर से पानी लेने जा रहे हैं, और जब लेकर के आती हैं पानी तो देखिए चारपाई में बैठ करके नीचे ये तसले को रख करके और ऊपर से ये देखिए नहा रही हैं। अब इसी पानी को वो गाय को नहलाने में इस्तेमाल करती हैं, और यही पानी फिर आपका इस्तेमाल हो रहा है ये पौधों में सिंचाई के काम में आ रहा। तो इस प्रकार से इस एक घड़े के पानी को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, माने नहाने में, नहाने के बाद अपने घर के जानवरों को नहलाने में, और फिर उसके बाद उन जानवरों के नहाए हुए पानी को से पौधों की सिंचाई में। तो इस तरीके से पानी को बार बार हम रिसाइकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉ द लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर अदर सो दैट सेम वाटर कैन बी रीयूज। तो लाइन खींच करके हमको ये बताना है कि उसी पानी को किस काम में हम ला सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, बच्चों जब हम चेहरे को धोते हैं तो वो बहुत गंदा तो नहीं होता है, लेकिन जब जो धोते हैं तो उस पानी का इस्तेमाल हम घर की फर्शों में पोछा लगाने के काम में लगा सकते हैं। तो ये मॉपिंग द फ्लोर, तो इस तरीके से इसको लाइन खींच देंगे। इसके बाद ये एक जो एग्जांपल दिया है वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल को धोने में जो पानी इस्तेमाल होता है वो वाटरिंग प्लांट्स, पानी पौधों में पानी देने के काम में हम ले सकते हैं। इसके बाद वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोए हुए कपड़ों के पानी का इस्तेमाल जो है हम टॉयलेट्स में जब टॉयलेट जाते हैं तो उस पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया यूजिंग इन टॉयलेट्स, टॉयलेट्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक अमाउंट के पानी को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। हैव यू गिवन सम सजेशंस टू यूज वाटर पीपल, तो इस प्रकार से आपको कैसे हम करके पानी को बार बार रीयूज कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों इस प्रकार से आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अब हम इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।